की कबड्डी की आवाज थोड़ा जोरों से होना चाहिए। कबड्डी का खेल और कबड्डी आवाज जोरों से, दोनों का दांव लगा हुआ है। बिल्कुल बजरंगी बालों चाहिए, बजरंगी बालों की ओर से रेडिंग की जानी है 10 नंबर की जर्सी। और क्या लगता है बजरंग बालों के खिलाड़ी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खिलाड़ी अपने सब खान के साथ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है अंदर से पॉइंट लेने का। चाहते तो बोनस ले सकते हैं, 10 नंबर के खिलाड़ी अपने हाइट का उपयोग करते प्रयास किया जा रहा है। एक टच पॉइंट ले लिए सर जी, और बालोद टीम का खाता खुलता हुआ एक अंक के साथ। बहुत धन्यवाद, एक अंक के साथ बालोद एक अंक से आगे चल रहे हैं। वही पहलक टीम से काले रंग की जर्सी में रेटिंग करते हुए ये खिलाड़ी, अभी टीम का खाता खोलना बाकी है, अभी अंक लेना बाकी है। स्लिप बोनस नहीं दिया जाएगा, क्या मान्यता नहीं है, पूरी 60% लाइट की ओर झुका होनी चाहिए तभी बोनस की पात्रता हो। तारक केंद्र को सुधार करें, क्योंकि एक बहुत ही निर्णायक मैच है, तीसरे राउंड का मैच चालू हो चुका है। ध्वनि तारक केंद्र को सुधार करें ताकि पुनः कमेंट्री बॉक्स पर आ सके टंडन जी और 10 नंबर की जर्सी के साथ। बजरंग बालोद का वो खिलाड़ी जिसने अभी अभी पिछली रेडिंग में एक टच पॉइंट लिया था, हड़कंप मचाने की कोशिश पहंदर के खिलाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अभी टच पॉइंट शायद इस रेटिंग में नहीं ले पाए। जवाब नहीं है, 5 नंबर के जर्सी पर, और देखना है उनके द्वारा होगा क्या है। जी हाँ सर जी, 5 नंबर की जर्सी पहने महंदा का ये खिलाड़ी अंक लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, रोमांचक मुकाबला है। अभी तक पादा के खिलाड़ी अपना खाता नहीं खोले हैं और खाता खोलना आवश्यक है। बजरंग बालोद की तरफ से 14 नंबर की जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी, और देखना दिलचस्प रहेगा क्या टच पॉइंट ले पाते हैं। दावत होगा है टच पॉइंट का, और कबूल किया अंपायर ने इस तरह से। बालोद की टीम 2 अंक के साथ, जबकि महदा जी 0, यानी कि खाता खुलना बाकी है। खाता खोलने के बिल्कुल बड़ा ही रोमांचक मुकाबला कहना चाहिए, क्योंकि कबड्डी भी गंगा में वहाँ उतर दूर से पाटन और बालोद क्षेत्र के टीम आए हैं, यहाँ दूसरी लगाए के प्रयास करते हैं। जी हाँ सर जी, पाटन ब्लॉक यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र नाम है, नेतृत्व करते हुए उस विधानसभा का। और देखिए बजरंग बालोद के खिलाड़ी काफी लंबे गति के खिलाड़ी, लगातार पॉइंट बनाने की कोशिश 10 नंबर की जर्सी के साथ। बढ़िया झकझोर कर दिया राइट और लेफ्ट कॉर्नर को, मगर इस बार एंटी रेट खाली रेट को भी अंक अर्जित नहीं कर पाए हैं। बहुत काम पहुंचा है 2 पर बालोद का, और आगा अभी तक अपना एक भी अंक अर्जित नहीं किए हैं, उनको कुछ तो करना ही होगा तभी मैच बना रहेगा। अभी ऐसे समय है, बढ़िया खेल रहे हैं, दावा ठोके हैं, देखना होगा। बहुत लॉबी में गए थे, यानी कि टच पॉइंट कंफर्म था, और खाता खुला महंदा की टीम का एक रन के साथ। अब 14 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है, एक अंक का ही फासला है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लगभग 2.5 मिनट का खेल का समय पहले हाफ में बचा हुआ है, क्योंकि 7 मिनट का पहला हाफ, फिर 3 मिनट का रेस्ट, और 7 मिनट का अंतिम और दूसरा हाफ खेला जाएगा। इस बीच मिड लाइन के समीप पकड़ने का डबल थाई होल्ड मारने का प्रयास, मगर असफल रहे बजरंग बालोद की टीम, और यहां पर पॉइंट मिलता हुआ। जी हाँ, यानी कि स्कोर लेवल हो चुका है बराबरी पर, जिसे 12 बजे कहा जाता है। 2-2 अंक दोनों टीमों के पास, जहाँ बजरंग बालों के पास भी 2 अंक, वही महंदा की टीम भी 2 अंक के साथ बराबरी पर है। देखना दिलचस्प रहेगा क्या ये रेड, और यहाँ पर मैचिंग कहना चाहिए, सभी एक साथ एकजुटता का परिचय दिए हैं यहाँ पर, और उनके रेडर को बाहर भेजे हैं। 10 नंबर जर्सी
चार खिलाड़ी केवल मौजूद भजन बालक की टीम में। यहाँ बोनस नहीं मिलेगी, बोनस ऑफ है, चार खिलाड़ी बचे हुए इसलिए। जी हाँ सर जी, और दो मिनट का समय शेष बचा है पहले हाफ में। अभी बढ़त सहायक बना चुकी है पहाड़ा की टीम, वो भी मात्र एक अंक की, यानी कि मुकाबला दिलचस्प कांटे की चक्कर। बिल्कुल, अब आठ नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी कबड्डी की आवाज जोरों से मैच का आंखों देखा हाल, और साथ ही समस्त अतिथियों के बिल्कुल लाइव प्रसारण हो रहा है यहाँ पर कबड्डी का यह मैच। जी हाँ सर जी, जी जान लगा चुके हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। जहाँ बजरंग बालोद के कोर्ट में चार खिलाड़ी बचे हैं, वहीं पर सात खिलाड़ी पहाड़ा की टीम में उनकी कोर्ट में बचे हुए हैं। रिवाइव कराना होगा बजरंग बालोद के खिलाड़ी को, अपने बैठे हुए खिलाड़ियों को। हाँ, इसके बाद किनका किनका मैच होना है उनका घोषणा माइक के माध्यम से हो जाए। नीलम और आगी तैयार रहेंगे। अब पांच नंबर जर्सी पहने हुए बजरंग बालोद की टीम की ओर से राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पूरा लॉक रखे, देखिए और यहाँ पर पकड़ने का प्रयास। लगभग 30 सेकंड का समय शेष बचा हुआ इस मैच में, एक से दो रेड किया जा सकता है। निर्णायक पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, निर्णायक फसल है और आगे कोई भी अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोई भी दोनों टीम की ओर से रिस्क नहीं ले रहा है। देखिए दुखी ही रहना चाहिए, जिस प्रकार मेघा के तालाब से बाहर हेलो अंतिम हेलो पटना जी, हाँ रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी दांव लगा है गुरु जी 8001 5001 बजरंग बालोद की ओर से रेडिंग की जा रही है। दूसरा हाफ करने की निर्णायक हाफ अंतिम हाफ शुरू हो चुका है। 14 नंबर की जर्सी के साथ ये खिलाड़ी जब पहाड़ा की टीम पर रेडिंग करने आए हैं, पहाड़ा की टीम के विरुद्ध रेडिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हेलो अश्वनी जी, थोड़ा सुंदरता से आए हैं, हम लोग भी जाना पड़ेगा। और ऑफिशियल दोनों कमेंटेटर हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा सुनील कुमार टंडन जी शिक्षक की ओर से और राहुल सोनी जी आप दोनों ऑफिशियल कमेंटेटर से, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप दोनों किसी मंच पर रहेंगे, उद्घोषणा मंच तक सदा अभी फिलहाल लगातार बने रहने की कृपा करेंगे। और पहाड़ा की ओर से रेडिंग लेकर आए काले रंग की जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी, त्रिस्तरीय राउंड का मुकाबला और दावत होगा टच पॉइंट का। निश्चित रूप से 9 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया और एक अंक पहाड़ा की टीम को जाता हुआ, तो 4 अंक की बराबरी दोनों टीमों के बीच चल रही मुकाबला, कांटे का मुकाबला जिसे हम 12 बजे बोलते हैं, वही स्थिति अभी निर्मित तो हो चुकी है। 8 नंबर की जर्सी के साथ बजरंग बालोद की ओर से रेडिंग किया जा रहा है ये खिलाड़ी। टाइम आउट लिया गया है, ध्यान देंगे ऑफिशियल टाइम आउट। पहाड़ा की ओर से काले रंग की जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी रेडी करने के लिए आए हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी बजरंग बालोद की कोर्ट में भी मौजूद है। पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन टच पॉइंट आवाज होता है, लेकिन नायक पर क्या असर और हाँ उसका प्रभाव खिलाड़ी भाव भी देखने को मिला और स्वयं खिलाड़ी ने अपने आप को कोर्ट से बाहर किया, यानी कि एक टच पॉइंट पहाड़ा की टीम को मिलता हुआ, 5 अंक पहाड़ा को जबकि 4 अंक बालोद बजरंग बालोद की टीम के पास है, यानी कि एक अंक से पिछड़ रही है बजरंग बालोद की टीम। लेकिन रेडिंग अभी बजरंग बालोद की ओर से समाप्त हुई, एम्प्टी रेड डाली गई थी उनके द्वारा। काले रंग की जर्सी पहने हुए फिर से रेडिंग करने के लिए आए हैं पहाड़ा से, लगातार एक ही खिलाड़ी रेडिंग का भार अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, गुलशन कुमार। जी हाँ, इस खिलाड़ी का नाम गुलशन कुमार। क्या ये गुलशन कलिया में खेलते हुए फूल खिला सकते हैं, जीत का सुगंध क्या पहाड़ा टीम के लिए ये ले
ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं ये देखने की आवश्यकता। और वही बजरंग बालों के खिलाड़ी अब 8 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने टीम से रेडिंग करते हुए, लेकिन अच्छा मौका है यहाँ पर सुपर रेडिंग का, लेकिन टेकल किए गए सभी बचा हुआ है। अभी बहुत अच्छा मौका था बालों को, किसको लगभग 4 मिनट का समय अभी भी बाकी है। दूसरा और निर्णायक हाफ चल रहा है। इस बीच पहला के खिलाड़ी ने टच आउट किया बजरंग बालोद के खिलाड़ी को। अब 2 खिलाड़ी कोर्ट पर बचे हुए हैं बजरंग बालोद की टीम के, जबकि 5 नंबर की जर्सी पहने बजरंग बालोद की टीम से खिलाड़ी रेडिंग के लिए गए हुए हैं। इस तरह से इसको पादा का स्कोर 7 अंक पर है और बालोद का स्कोर 4 अंक। इस तरह से 3 अंकों का इजाफा पादा की टीम को मिला है और यहाँ पर ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है सर जी। बजरंग बालोद के ऊपर ऑल आउट के साथ सुपर टेकल भी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। सुपर टेकल यदि दोनों खिलाड़ी जो कोर्ट में मौजूद है बजरंग बालोद के, अगर 23 मिनट बचा हुआ है सावधानी हुई जी सर जी, अगर टेकल करते हैं 2 अंक मिल सकता था, लेकिन 1 खिलाड़ी अब बचा हुआ है 9 नंबर की जर्सी पहने हुए बजरंग बालोद की टीम से। यही अंतिम खिलाड़ी बजरंग बालोद की टीम में जो रेडिंग कर रहा है, पॉइंट लाने की भरसक प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत सुंदर सा रेड कर रहे हैं रेडर के द्वारा, बोनस की प्रयास अंदर घुसे और वहां पर 5 अंक रहा। 3 अंक की बढ़ोतरी महंदा टीम की स्कोर बोर्ड में 11-4। बालोद बजरंग जहां 4 अंक पादा को 4 और बालोद को 4 पर सहायता के साथ मंच पर बने हुए हैं। झांसा देते हुए पादा का खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी खड़े थे लेकिन किसी दूसरे खिलाड़ी ने वहां पर रेड कर रहे हैं। अंकों के फासले को कम करना था, वहां अंक का फासला और बढ़ गया है। 8 अंक की बढ़त महंदा के पास, जबकि अंतिम 2 मिनट का समय शेष बाकी है और एक पूरा बनाना पड़ा बालक की टीम को। बाज की तरह खिलाड़ी डिफेंडर डिफेंडिंग किए हैं। अंकों का अंतर लगातार बढ़ रहा है सर जी, क्या सोचते हैं इसके विषय में? अब मैं यही देख रहा हूँ अभी पर वर्तमान में बालक की टीम की खिलाड़ी सुस्त नजर दिखाई दे रही है और पादा की खिलाड़ी का अंकों का इजाफा लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यही सिद्ध हो रहा है कि यह मैच पादा के हाथों में झगड़ा हुआ नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र पाटन से चलकर पादा की टीम आई है और समूचे पाटन विधानसभा का आप नेतृत्व कर रहे हैं, लगता है इसका अलग ही प्रभाव। हाँ, उसका प्रभाव तो निश्चित पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। लास्ट 1 मिनट शेष है, लास्ट 1 मिनट शेष, टच पॉइंट का प्रयास जरूर लेकिन डुबकी लगाना चाहते थे, अगर यहाँ सफल हो जाते तो 3-4 पॉइंट लेकर चले जाते, अब फिर पलट सकती थी। अंतिम 1 मिनट से भी कम का समय शेष, जबकि 9 नंबर की जर्सी पहने हुए पहंदा का ये खिलाड़ी आराम से इत्मीनान से, जैसे इनको पता है हमने शिकार कर लिया है, अब आराम से उसको खाना है 2-4 दिनों तक, इस भाव के साथ रेडिंग किया जा रहा है। पूरा समय 30 सेकंड का लेना चाहते हैं। 9 नंबर के इस खिलाड़ी ने डुबकी लगाई लेकिन धर बचा है बजरंग बालोद के खिलाड़ियों ने। पहले इसी तरह सा कैचिंग पावर दिखाए रहते हो सकता है मैच पलट सकती थी। अब ये लास्ट रेड है, अंतिम रेड है, स्कोर बोर्ड में आ रही है। पादा का स्कोर है 14 पर और बालोद का स्कोर है।